जय हो नवा, जय हो कहो दरबारी नवा। आपके संगे संगे ऐसे लिया कहली है बाबा, एक तो के काम करे की है बाबा। कौन सा काम है दरबारी बताओ बाबा? खुन सही बनाना नहीं दरबारी बताओ बाबा। एक खातिर तो के लिया कहली है बाबा, तो के लड़का देखे क्या कर? अरे बाबा हम सही कहते हैं, तो के लड़का देखे क्या कर? शादी में हम से बात किया जाता है? बताओ दादा, हम मजाक करते हैं इनसे दरबारी ना करते हैं। सही सही बताओ वरना मैं वापस चला जाऊंगा। बाबा क्षमा करा जैया मत, हम हकीकत का थे बाबा कि तो के राजमहल में लड़का छाटे के है। दरबारी एक काम करो, पहले चले महाराज के पास। हाई कहीं तो माने थे, मैं महाराज से पूछता हूँ कि किस लिए बुलवाए हैं। ठीक है बाबा, तुम तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है बाबा, हम तो उल्टा ना कर ले। चलो महाराज के पास, गेट पर रही अभी बुला के लेके आओ। ठीक है जाओ। बाबा एक बात कथी बाबा, कहो दरबारी। तो ऐसे पहली बेरी भेज भयल बाबा, अब तो के बुला के लेके आए नहीं बाबा। तुम्हारी बात तो खुन जाता हूँ बाबा, मगर गेट पर रहिया, गेट के अंदर हलिया मत। ठीक है दरबारी, के लिए कि तुहार सकल सूरत से हमके सुभा लगत है बाबा। क्या तोरी सकल सूरत से हमके सुभा लगत हो? हमके लगत कि असली बाबा तू ना हा। क्या मैं तुम्हें नकली दिखाई दे रहा हूँ बाबा? वो बात ना हा, हमके ये हमके तोरी चेहरा से लगत हो कि तू हमके छिनरा बाबा लोग। गलती के क्षमा करा बाबा, समझावत है तो के गेट की बहरे रहा। जाओ जल्दी महाराज जा भाई। योगीराज के चरणों में राजा का प्रणाम, आशीर्वाद राजन, सदा खुश रहिए राजन। राजन कहिए योगीराज, एक बात पूछे आपसे, पूछिए योगीराज। अरे सुन बा, अरे तू सुन बा हो राजन, अरे हमारी महाराज। मेरी खुशी मेरे पर बहुत नहीं, अगर मेरी खुशी होती तो मेरे घर इतना बड़ा हवेली
किस काम की जो उसमें एक चिराग जलाने वाला नहीं है? क्या करे महाराज? माँ जोगीराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपके पास इस राज का कोई वारिस नहीं? नहीं जोगीराज, ये तो बड़ी दुख की बात है महाराज। मैं भी सोच रहा था कि आखिर महाराज इतने उदास इतने चिंतित क्यों हैं? अब समझ में आया महाराज कि इस उदासी का क्या कारण है। तो आपके पास कोई संतान नहीं है महाराज, आप इसीलिए उदास हैं? हाँ जोगीराज हाँ। ठीक है महाराज, आप निराश मत हुई है महाराज, इसका निवारण मैं अवश्य करूंगा। लाइए अपने हाथ की रेखा मुझे दिखलाइए। मैं अपनी हाथ से रेखा देखकर बतला रहा हूँ कि आपके भाग्य में औलाद है या नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है जोगीराज? हाँ महाराज हो सकता है, लाइए दिखलाइए। तो ठीक है जोगीराज, देख सकते हैं हम और लाइए दिखलाइए। अभी महाराज क्या हुआ जोगीराज? बहुत खुश नजर आ रहे जोगीराज। खुशी की तो बात है महाराज। क्या खुशी की बात? कौन कहता है कि आपके भाग्य में औलाद नहीं? अरे महाराज आपकी हास्य रेखा बतला रही है कि कुछ ही दिनों बाद आपके इस महल में एक सुंदर सी कन्या जन्म लेने वाली है महाराज। हरी महाराज मंत्री हरी मेरे घर राजन, राजन जोगी हमें बोल रहे हैं कि मेरे भाग्य में मेरी संतान है। हार आज मंत्री हार आज मंत्री दिनों के बाद इस घर में खुशी की ऐसी बात सुनाई गई तो जोगी राज कहिए महाराज, अगर ऐसी बात है तो मेरे राज्य में मेरा राजमंत्री भी बिन संतान का है। क्या उनका भी हाथ देखकर जोगीराज आप बता सकते हैं? क्या आपका राजमंत्री के पास भी कोई औलाद नहीं? हाँ जोगीराज। बारे भगवान तेरी लीला गजब हमारे, आपके राजमंत्री के भी पास कोई संतान नहीं? नहीं जोगीराज। ठीक है महाराज, बुलाइए अपने राजमंत्री को, मैं उनकी भी हास लेकर देखकर बतला रहा हूँ उनके भाग में क्या लिखा है। राजमंत्री अरे गुरुवर चले मैं आपके यह मंत्री गुरुवर चरण में आपके यह मंत्री झुकाए शीश, अरे करुण मन में आपका अब दीजिए हमें, महाराज बतला रहे हैं कि आपके भाग में यानी आपके पास कोई संतान नहीं। हाँ गुरुदेव। तो ठीक है राजमंत्री, इसमें निराश होने की बात नहीं है, लाइए अपने हाथ की रेखा मुझे दिखलाइए। मैं आपकी हाथ रेखा देखकर बतला रहा हूँ कि आपके भाग में संतान है या नहीं। ठीक है गुरुदेव, लाइए राजमंत्री। Thank you.
राजमंत्री, कौन कहता कि आपके भाग्य में औलाद नहीं है? क्या बताऊं, आपकी हास रेखा साक्षात बतला रही है। क्या बतला रही है गुरु? कुछ ही दिनों बाद आपके घर में एक सुंदर सा बालक जन्म लेने वाला है। क्या गुरुदेव, आप ये सत्य कर रहे हैं? हाँ राजमंत्री, मैं सत्य कर रहा हूँ। मेरी बारी कभी खाली नहीं जाती है राजमंत्री। गुरुदेव, अगर ऐसा हुआ तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। ऐसा होगा राजमंत्री, ऐसा होगा। ठीक है गुरुदेव, तो ठीक है महाराज, मेरी जाने की तैयारी कीजिए। गुरुदेव, आपसे एक अरदास है। गुरुदेव कहिए राजमंत्री। हमारे इस राज दरबार में जो जो दरबारी है, आहा गुरुदेव, आज तक उसका विवाह नहीं हुआ है। गुरुदेव उसकी भी हस्तरेखा देखनी है। गुरुदेव अच्छा, उसके नसीब में उसका विवाह लिखा है या नहीं लिखा है? ठीक है राजमंत्री, बुलाइए राज दरबारी। इधर आओ, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। बाबा के गोर में गोर डालना चाहिए। अरे ऐसे पाव लगे किया जाता है? अरे बाबा, गोर परतन ही आपका। खुश रहो दरबारी। गुरुदेव माफ करिएगा, पढ़ा लिखा नहीं। समझ गए दरबारी। कहिए बाबा। बोलो क्या परेशानी है तुमको? परेशानी तो बहुत बाबा। कितना परेशानी है बाबा, कि हमसे कहा बताई बाबा। बताओ दरबारी। बाबा कितना हमारी उम्र आ गई बाबा, एक बात हमारी समझ में ना आता बाबा। कौन सी बात बताओ? दिल का रो तो भाग जाता हूँ बाबा, आज तक ले मर दिया ना बाबा। अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? अभी तक नहीं बाबा। बड़ी दुख की बात है दरबारी। बहुत दुख की बात है बाबा। ठीक है दरबारी, निराश मत हो, लाओ अपनी हाथ दिखा, दिखाओ मुझे, मैं देखकर बतला रहा हूँ कि तुम्हारे भाग्य में शादी है या नहीं है। सही कथे बाबा, लाओ दिखाओ, बढ़िया से दिखाओ, लिखा ना कि ना लिखा। ठीक है दरबारी। दरबारी कहिए बाबा, बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है बाबा। हमको दुख पड़ा था, फिर दुख की बात सुनेगा बाबा तो हम बेहोश हो जाए बाबा। दरबारी तुम्हारी हास रेखा बतला रही है। क्या बताती बाबा? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में शादी नहीं लिखी है दरबारी, शायद अगले जन्म में हो सकती है। और भाग में बिया ना लिखा बाबा? नहीं दरबारी। सही कहती बाबा। हाँ दरबारी। बाबा अगवा में दिखला ना, अगवा वाला में। हाँ दरबारी। पीछा वाला में दिखला। देखो हम सिर्फ आगे का हास रेखा देखते हैं, पीछे का ना देखेगा? पीछे का नहीं देखते हैं हम। बाबा नहीं दरबारी, इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में शादी नहीं लिखी है, शायद अगले जन्म में हो सकती हो बाबा। हो बहुत जन्म में ब्याह ना लिखा? नहीं दरबारी। एगो बात कहीं कहीं सही बना ना कहो बाबा, एक जन्म हमार ब्याह ना लिखा? नहीं दरबारी। एक बात पूछत है बाबा। कहो बाबा। पूछे बिना बूझे। अरे देखो पूछो, अगर मुझे बताने लग रहेगा तो जरूर बतलाऊंगा। कौन सही बताऊंगा, इसमें घुसाने की क्या बात है? पूछत है बाबा। पूछो दरबारी। ये बताओ बाबा, तुहरी चाचा का लड़की की है सब? साधु महात्मा से इसी तरह बात किया जाता है?
हमें पूछा लिया ना कि माला रुकी चाचा का चुप। राज दरबारी बहुत तुम शरारती शरारत ना कहले बाबा, हम यही ने पूछा लिया बाबा कि हमारी बच्चे खुशा मत बाबा, भले भैया ना हो बाबा ठीक हो, हम ये ले पूछ रही हो कि नाच बजा में चल जाए बाबा, अगर तो चाचा के लगी तो कम से कम खाना। हम जाइए राजमंत्री से क्षमा करी बाबा, तुम्हारा दिमाग खराब है बाबा, क्षमा करी मंत्री जी क्षमा करी, साधु महात्मा से ऐसी बात करे तुम? अब कबो मजाक ना करो, हम मजाक ना सीरियल कहता ली सीरियल बनाते हो राजमंत्री, छोड़िए जाने दीजिए, बहुत शरारती है बाबा, बहुत दरबारी गलती चाहिए हो गया बाबा, माफ करिया बाबा, माफ करिया बाबा, काले ले आओ बाबा, क्या लोगे बाबा, चोरी तो भावरी ले ले आओ कहा बाबा, लगा था कि बाबा चोखा पकड़ा के लेके आया ना, खाओगे बाबा एक बार दे देता तो हम बुढ़ी में से भूखाए नहीं। हाँ मुझे मालूम है तुम भूखे हो, जाओ महाराज को बुला के आओ, मगर भौरिया तो हेती तेरे तो वो तो हेती वाला भौरिया वाला छोड़ रहा है। आते भाई क्या ये बाबा, तुम बहुत ज्यादा ओवर बोल रहे हो मंत्री जी, क्षमा करी, हम तो देखा नहीं हती थी भौरी बनेला बाबा, तो लगा था चुनाव ले, अच्छा भौरा बनो ले, तो भौरी खा रहे हो भट्ठा पर को लेके आ गया, अच्छा छोटा डाके बाबा कहा था समझा ले, अच्छा ये बात है, क्षमा करी मंत्री जी, क्षमा करी बाबा।